यार आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं रोज व्लॉग क्यों नहीं बनाता यार। आलस इतना है कि मैं नींद के बाद भी अभी 1 घंटे की नैप ली है दोबारा से, तो अभी 9:30 बजे के आसपास हो गए हैं। अभी जाने का टाइम आ गया है ताजमहल। जरा आपको यहाँ से दिखा देते हैं कैसा लगता है ये। ओहो, इट लुक्स गुड। और यहाँ पर ताजमहल अगर आपको दिख पाएगा तो ये रहा ताजमहल। तो यार अभी जाने का टाइम आ गया है, तो जाने का टाइम आ गया है मतलब दुनिया छोड़ने का टाइम। तो अभी मैं तैयार होता हूँ। सो बेसिकली ताजमहल मेरे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, बट मैंने वहाँ पर हॉस्टल बुक कराया है। हॉस्टल मेरे को अराउंड 180 रुपीज़ का पड़ गया, सो विच इज़ गुड। और रीज़न ये था वहाँ बुक कराने का कि वहाँ मैं और नए लोगों से मिलूंगा, क्योंकि यार यहाँ पे पड़े पड़े ना मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो कि भाई व्लॉग बनाओ। यार मैं व्लॉग किस चीज़ का बनाऊँ, अपना बनाऊँ? मेरा शक्ल देखोगे तुम लोग, क्या देखोगे भाई? कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में, दोस्त भी नहीं है। गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा मैं, दोस्त भी नहीं है यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं व्लॉग वगैरह ज़्यादा बनाता नहीं हूँ। तो यार मैं तैयार हो गया हूँ इस समय, और अब जाने का टाइम आ गया है। यहाँ से ओला बुक कराता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से। यार देखो, अकेले ना ब्लॉग करना बड़ा ही मुश्किल काम है। मतलब कोई दोस्त वगैरह हो तो यार उसकी तफरी ले लो। अभी यहाँ क्या करे इंसान, ये वो वाला हाल हो रखा है। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, हम ही अंधे हैं हम ही कोड़ी हैं। और बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा मैं इस मुहावरे के द्वारा, सो प्लीज़। चलो भाई आ गए ताजमहल। यहाँ से एंट्री, इधर से एंट्री, इधर से एग्जिट, यहाँ से अंदर। पहनचोद ब्लॉग करने में आफत ही आफत है। तो यार एक कमाल की बात है, यहाँ से लोग आया करते होंगे, आज से 300 जब भी साल पुराने बना था ये, यहाँ से एंट्री हुआ करती होगी। वाह, चौड़ देख रहे हो लॉन्डो की। और यहाँ पे जो घूम रहे हैं ये चूतियों की तरह इतने सारे लोग, मैं थप्पड़ मार के भगा देते होंगे, चलो भाग यहाँ से चूतियों। ओके, ओ बाय द वे, जो ये ऊपर दिख रहे हैं आपको इधर, ये जो इधर आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली जितने साल इसको बनाने में लगे, ये उतनी बार इन्होंने एक टोपी बैठा दी इसके ऊपर। और ये शायद एक जगह पे और लगी होगी, शायद अंदर एक गेट होगा उधर लगी होगी या फिर इधर लगी होगी। हाँ खींचो सर, फ़ोटो खींचो, खींच लो सर फ़ोटो। यार है तो माल है। जब कमाल की बात है, जब यहाँ से लोग आते होंगे इस जगह से अंदर, फट के हाथ में आ जाती होगी जब ये देखते होंगे। ब्रो इट इज़ टू गॉर्जियस, टू गॉर्जियस। फ़ोटो में तो ये भाई साहब बहुत छोटे से लगते हैं, तो ज़्यादा ही बड़े हैं भाई ये, बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं ये। और आपको पता है जो 4 मीनारे हैं, ये स्ट्रेट नहीं है, ये एक्चुअली थोड़ा सा बाहर की तरफ है। सो इन केस भूकंप वगैरह आता है बाहर की तरफ को गिर जाएंगे सब। अब ये सोच के देखो यार, सामने से मतलब इतने सारे लोग आया करते होंगे इधर, मतलब राजा महाराजा दूसरे दूसरे देश से या राज्य से या कहीं से भी, तो यहाँ उनके लौंडे रुकते होंगे इधर, है ना, जहाँ पे अभी मच्छरों की तरह लोग घूम रहे हैं। ये साले दूर दूर तक अलाउ नहीं होंगे, और जब वो यहाँ देखते होंगे, ओह फक, फटके ज़रूर हाथ में आ जाती होगी, भाई ये कैसे बनाया। मतलब अगर आप सोचो कि आप ये अभी बनाना चाहोगे मॉडर्न मशीनरी के साथ, भी ये शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा यार इतना अच्छा। यार मेरा दिमाग ना इस बात में ख़राब है, हो रहा है कि अभी भी 20-21 हज़ार लोगों ने मिलकर इसे बनाया था। मतलब जितने भी आगरा वागरा में लोग रहते थे सबको यहीं बुला लिया था। अच्छा कुछ अभी भी काम कर रहे हैं वो 21 हज़ार में से, सामने लगे पड़े हैं। ठीक है यार, अच्छा है, रिस्टोर कर रहे हैं लोगों को। और यार आप लोग जब भी कहीं जाओ ना, किसी भी जगह पर थूका वूका मत करो, चलो चूतियो चूतिए लगते हो जो अपनी जगह पर थूकते हो, ठीक है? कूड़ा ना फैलाएं, थूके ना। तो ताजमहल के अंदर आने की टिकट है 200 रुपये। इफ़ यू थिंक इट इज़ नॉट क्लासिज्म और इट इज़ नॉट इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दोज पीपल हु डू नॉट अर्न मच मनी, यार सोच के देखो ना, एक बंदा जो 5,000 रुपये कमाता है महीने के, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो ताजमहल कभी देख ही नहीं सकते इतने पास से। इट इज़ नॉट इक्वलिटी। आई मीन ठीक है, मैं भंड वंड नहीं हूँ ना, मैंने गंजा फूका है। बाकी ये देखो यमुना यहाँ पर, उस समय लौंडे यहीं से अंदर बैठते होंगे अपनी नावा निकाल के और पहुँच जाते होंगे लाल किले। सोचो यार जहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर कभी जापना आते होंगे, फिर वो अपने ठेकेदार से बोलते होंगे, आई मीन आर्किटेक्ट, क्या नाम था उनका, उस्ताद अहमद लाहौरी साहब, भाई कितना काम हुआ। लाहौरी साहब बोलते होंगे सर अभी तो 3 साल ही हुए हैं, अभी तो और रुकेंगे। फिर जापना उन्हें 4 गाली सुनाते होंगे, फिर लाहौरी साहब आगे और लोगों को गाली सुनाते होंगे, तो गाली इधर को निकल जाती होंगी, सबको मिल रही होंगी पैसे। और यार मेरी भाषा का ना ज़्यादा ज़्यादा दिल पे मत लगाना, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, पर किसी के लिए डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है ये, सही है।
देखो यार, यहाँ पे जापना आते होंगे, इधर इधर कहीं जापना खड़े होते होंगे, इधर यहाँ जैसे अभी गरीब लोग खड़े हुए हैं, इधर ऐसे गरीब लोग तब भी खड़े रहते होंगे, फिर यहाँ पीछे से हमारे हीरा ठाकुर आते होंगे, वो बोलते होंगे जो भी हूँ बाबूजी की वजह से हूँ, बाबूजी के मुँह छुपाए खड़े होंगे उधर। बट नहीं यार, सोचो इतने सारे लोग इधर पास, इतनी खूबसूरत चीज़ के पास हैं, इतने सारे देखो आस पास, जो 2 किलोमीटर दूर तक अलाउ नहीं होंगे, और यहाँ पर मतलब सैनिक वगैरह खड़े रहते होंगे कि भाई इधर आ साले गंदी मछली, कहाँ जा रहा है, चल बाहर उसे बाहर निकाल दिया यहाँ से। बट यार लुक एट दिस, इट इज टू बिग, मतलब लगता नहीं है फ़ोटो के अंदर ये इतना बड़ा हो गया। देखो ना ये छोटा सा आदमी इधर खड़ा है, ओ पैन की पैन। तो यार मैं तुम लोगों को बता रहा था ना इन टोपियों के बारे में, ये गुंबद जो है, देखो टोटल 21 है, इफ़ यू कैन सी 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 आगे 10 पीछे, सो बेसिकली 21 साल जो लगे थे। सो कैलेंडर वैलेंडर तो था नहीं उन लोगों के पास उस समय, तो भैया एक साल हुआ नहीं, लगा दी एक टोपी एक्स्ट्रा, 21 साल लगे थे इसे बनने में। यार देखो कितनी सुंदर जगह है ये, ठीक है बढ़िया, पर यहाँ पे हमारे आशिक, अरे यार क्या करते हैं यार, चूतियों की पहन फाड़ दो लोगों की। भाई इतनी बात समझ में नहीं आती, कहीं जाते हो तो गंदगी मत फैलाओ, दीवारों पे नाम मत लिखो, बहन तुम नहीं हो शाहिशाह, वो तुम घर पे रहो अपने शांति से। सो करंटली मैं इस हॉस्टल के अंदर रुका हुआ हूँ, इसका किराया शायद 180-200 रुपये के आसपास था, इट इज़ नाइस। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, अगर मैंने बोला था ना तुम लोगों से 21 साल, 21 नहीं है 22 साल हैं, हमसे गलती हो गई। देखो 22 टोप हैं, 11 इधर से 11 उधर से, तो ये 22 के बाद ही जो है ये 22 साल लगे थे बंदे में से मतलब। और ताजमहल, ओ माय गॉड, तो यार जो व्लॉग था वो यहीं तक था, मतलब मैंने काफ़ी लंबा व्लॉग बनाया नहीं एक्चुअली ना, मेरे को बाहर पब्लिक में रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है, तो इसलिए आपने मेरा चेहरा भी वहाँ पर नहीं देखा, बट ठीक है अब जितना था यही है। अभी मैं आपके लिए शायद एक आने वाली वीडियो अभी रिकॉर्ड करूँगा, उसको एडिट करके आज या कल में डाल दूँगा, तो बस यही है, मैं भूल गया अपनी लाइन से, ओके बाय।